दिक्कत आ रही है? सर दो दिन से नहीं आ रहा पानी। क्या दिक्कत आ रही है सर? पानी लेने जाते हैं, फ्रीजर में पानी नहीं होता। मतलब जिला अस्पताल में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है? सुविधा नहीं है पूरा अस्पताल में। कल भी देखते देखते तक था, कहीं नहीं पानी था। पानी के लिए आप लोग फिर कहाँ जाते हैं? फिर मॉल खरीद के लाते हैं पानी। तो क्या इसकी शिकायत कभी की है आप लोगों ने? करी है सर? नहीं की, आप ही तो कर रहे हैं। अच्छा, मतलब कोई अधिकारी यहाँ पे इंस्पेक्शन करके गया अभी तक पानी की देख रेख? आते हैं तो उनके लिए दिखा देते हैं थोड़ा सा पानी वगैरह, टंकी में पानी है और नल ठीक है, लेटरिन बाथरूम साफ करवा देते हैं। अस्पताल में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, पानी की बड़ी किल्लत आ रही है। और ये डॉक्टर लोग आते हैं और जो है आराम से इसमें बैठे रहते हैं और मरीज बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है। लगभग कितने मरीज पर डे यहाँ पे आते हैं जिला अस्पताल में? हज़ारों की तादाद में पब्लिक आती है और मरीज कम से कम रोज़ाना डेली 500 के लगभग आती है। कितने दिन से ख़राब पड़ा है ये? ये करीब 15-20 दिन से लगभग ख़राब पड़ा है। तो अभी तक अधिकारियों ने इसकी कोई सुन नहीं ली? कोई सुनवाई नहीं। एक हफ्ता हो गया पानी नहीं आ रहा है फिर अस्पताल में कहीं भी, और पूरे अस्पताल में कहीं भी पानी नहीं है। पीने के पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, तिमारदार परेशान है, मरीज परेशान है। पानी आता है तो कुछ टंकियों में खोलता हुआ आता है बिल्कुल गर्म पानी, वाटर कूलर सब खराब पड़े हुए हैं, कई बार शिकायत हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं। कितनी संख्या में यहाँ मरीज पर डे आते होंगे? लगभग 400-500 मरीज तो आते होंगे, 400 मरीज तो आते होंगे। तो अधिकारियों ने इसकी कोई सुन नहीं ली है? कोई सुन नहीं है, कोई देख कोई देख नहीं रहा है। क्या उनकी तरफ से कोई राउंड नहीं लगाया जाता, इन सब चीज़ों का कोई इंस्पेक्शन नहीं होता? कोई देखता ही नहीं इसको आगे। अंदर टॉयलेटों में पानी नहीं है, टॉयलेट भी सब ऐसे टंकी वैसी पड़ी है, पानी नहीं है उनमें, अंदर टॉयलेट भी खराब पड़े सारे। मतलब ये माना जाए पूरा जिला अस्पताल राम भरोसे चल रहा है।